एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर कीजिए BPSC एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकिता पांडे है और मेरा चयन 66 BPSC में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। और यहाँ पे मैं अपने BPSC जर्नी के कुछ अनुभव और जो चीज़ें मैंने इस जर्नी के दौरान सीखी हैं वो आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। मेरा मीडियम इंग्लिश है इस परीक्षा के दौरान और मेरा ऑप्शनल विषय फिजिक्स है और ये मेरा BPSC में तीसरा अटेम्प्ट था। इंटरव्यू तक मैं पहली बार पहुंची थी, प्रीलिम्स हर बार क्वालिफाई किया था लेकिन दो बार मैं मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाई थी। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी एग्ज़ाम हंटर को कि इन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, ये मौका दिया अपनी जर्नी आपसे शेयर करने के लिए। और एग्ज़ाम हंटर ग्रुप मैंने 65th मेंस के टाइम मुझे पता चला और उस समय मैंने इसे ज्वाइन किया था। हालांकि मैं रिगरसली इनके मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को लिख नहीं पाती थी लेकिन मैं उस ग्रुप से जुड़ी जरूर थी। जैसे शुभम प्रकाश जी हैं और रहमान जी हैं, उनकी कॉपियाँ मैंने देखी हैं, वो लोग बहुत अच्छा लिखते थे तो मुझे उससे थोड़ा आइडिया हो जाता था कि एटलीस्ट कैसे आंसर अप्रोच करना है, कैसे लिखना है। तो उसमें इस ग्रुप का अच्छा रोल रहा। और जब मैं इस बार मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए जा रही थी तो एग्ज़ाम हंटर ग्रुप ने मुझे इंटरव्यू में भी मदद की और एक मॉक इंटरव्यू मैंने इसके साथ दिया था जिसके फीडबैक पे मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर पाई। तो अब आते हैं कि मेरी अपनी BPSC जर्नी के दौरान जो चीज़ें मैंने सीखी। तो सबसे पहले अभी मैं फोकस करना चाहूँगी कि प्री के लिए क्या मेरी स्ट्रेटजी रही। तो प्री के लिए मैंने हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को फॉलो किया और उसी के अकॉर्डिंग बैक टू सोर्स में जाकर के पढ़ाई करी है। और मेनली सबसे पहले मैंने अपने आप को जज किया है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले जो करंट अफेयर वाला पोर्शन था, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार, तीनों पे ज़्यादा फोकस किया सो दैट आई हैव जितने भी मेरे क्वेश्चंस उसके आ रहे हों बिल्कुल छूटे नहीं। और इसके बाद दूसरा पोर्शन था बिहार का, तो अगर आप बिहार, करंट अफेयर, साइंस और मैथ्स और हिस्ट्री इतना आपके कमांड में है तो प्रीलिम्स में चीज़ें काफ़ी हद तक आसान हो जाती हैं। तो ये मेरी स्ट्रेटजी हमेशा रही है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने को। और चूंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से रही हूँ इसलिए मुझे साइंस और मैथ्स में ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और हिस्ट्री मैंने हमेशा अपने वन लाइनर नोट्स बना करके पढ़े हैं, मोस्टली मैंने स्पेक्ट्रम को फॉलो किया है और वो भी उसके पीछे जो अपेंडिक्स हैं वो मुझे बहुत हेल्पफुल होते थे एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन के लिए। और बुक लिस्ट में जैसा कि सभी जो स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए मैंने NCERT सबसे पहले पढ़ी है और इसके बाद लक्ष्मीकांत के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स पढ़े हैं। और मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज पर काफ़ी हद तक मैंने रिलाई किया है, जैसे मैंने मृणाल लेक्चर्स सुने हैं इकोनॉमिक्स फंडामेंटल के लिए और स्टडी IQ का चैनल फॉलो करती थी। और जैसा कि मैंने बताया एग्जाम हंटर का टेलीग्राम ग्रुप और इन सबसे मैं हमेशा जुड़ी रहती थी। मैं उसमें एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी लेकिन मैं हमेशा उनके जो क्विज चैनल हैं इन सबको फॉलो करती रहती थी। तो ये रही मेरी प्री की जर्नी। और मेंस के लिए मैंने मेंस राइटिंग की है और अपने खुद के नोट्स बनाए हैं। बिना उसको कि आप दूसरों से अलग नहीं हो सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको क्वालिफाई करना है अंत तक तो सबसे पहले आपको एडिटोरियल उसकी अच्छी समझ होनी चाहिए और उसे आप अपने आंसर्स में इम्प्लीमेंट भी करिए। तो आप मेंस के लिए अपना नोट्स बनाइए और जो भी डे टू डे या फिर आपके करंट अफेयर्स होते हैं आप ये ट्रिक सीखिए कि आप कौन से डेटा को कहाँ पे डाल सकते हैं। तो दिस इज़ माय टिप फॉर BPSC मेंस। और इंटरव्यू तो मेरे केस में तो बहुत अनप्रडिक्टेबल हुआ और वो बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेड लाइन पे डिडन फॉलो ऑफ। तो इंटरव्यू के लिए दिस इज़ जस्ट योर पर्सनैलिटी, आप उसको 10-20-15 दिन में ग्रूम नहीं कर सकते हैं। या आपने 20-25 सालों में जो बनाया है दैट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी। तो मेरे हिसाब से इंटरव्यू की तैयारी एज सच कोई नहीं है लेकिन हाँ आपके पास में डेटा होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस बिल्कुल बूस्टअप आपका रहना चाहिए
तो इंटरव्यू के लिए मुझे लगता है कि जो आपने प्री और मेंस के दौरान तैयारी की है वही काम आती है, और वहाँ पे इतना अनएक्सपेक्टेड होता है, कौन क्या पूछेगा कोई नहीं बता सकता है। तो मेरा इंटरव्यू तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहा है, और मार्कशीट आने पे पता चलेगा अभी कि मुझे कितने नंबर मिले हैं। तो ये रही मेरी MBBS की पूरी जर्नी, और अगेन थैंक यू एग्जाम हंटर फॉर प्रोवाइडिंग ऑल द सपोर्ट थ्रू आउट दिस जर्नी। थैंक यू वेरी मच।